ओ पंखुड़ी, इतना मोह करोगी ना तो कभी जा ही नहीं पाओगी तुम, समझी? अरे भाई कुछ ही दिनों की तो बात है, और पंखुड़ी वैसे भी अच्छा है, चलो इसी बहाने तुम्हारी मामी कुछ दिनों घर में काम कर लेगी। अच्छा, तुम अगर ऑफिस से रिटायरमेंट ले सकते हो तो क्या मैं घर की जिम्मेदारियों से थोड़ी सी फुर्सत नहीं ले सकती? ऑफ कोर्स ले सकती हैं, क्यों नहीं ले सकती? पर पंखुड़ी सीरियसली आई एम गोना मिस यू। कम ऑन गाइस, एक तो ये बड़ी मुश्किल से पहली बार कुल्लू जाने के लिए रेडी हुई है, अब इस तरह से इमोशनल बैकमेल करोगे तो ये अपना टिकट ना फाड़ के फेंक देने वाली है। पर डैड, अगर आदि को बुरा लगा तो? अरे बुरा लगने दो। अरे वंस इन अ व्हाइल इवन हस्बैंड्स को अपनी वाइफ की इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए। अच्छा, यही बात इंसान खुद पे लागू करे तो बात बने ना। थैंक यू दादी जी। वैसे ये हस्बैंड्स है ना, दूसरों के मामले में बहुत उछल उछल के बोलते हैं, अपने मामले में टाई टाई फिश। बहुरानी, अपने पति की बुराई करना बंद करोगी? तुम्हारी सास यहाँ बैठी है। बहुरानी, मेरे पोते की बहू को धमकाना बंद करोगी? तुम्हारी भी सास यहाँ बैठी हुई है। ये बात। पंखुड़ी, ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। नानी जी, ये क्या है? छोटा सा गिफ्ट है, बहुत दिनों से सोच रही थी लेकिन मौका ही नहीं मिला। आज सोचा अच्छा मौका है तो मैं के जा रही हूँ, तुम पहनना और अपने घर वालों को बताना कि तुम्हारी नानी ने दिया है। वैसे कुछ लोग तारीफ करवाने और करने के लिए कुछ भी करते नहीं। हाँ, वैसे कुछ लोग बिना कुछ किया भी तारीफ करवाने की कोशिश करते हैं ना। तुमने क्या दिया बहू? हाँ, मैं भी लाई हूँ गिफ्ट। वैसे मैंने सोचा सोना चांदी तो सभी देते हैं, है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कुछ अलग गिफ्ट दूंगी। अच्छा, क्या अलग है? मैं पंखुड़ी के बारे में दो शब्द कहना चाहती हूँ। तुम ना पूरे घर की आत्मा हो। सच पंखुड़ी, तुम इसी तरह मुस्कुराते रहना, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है तुम्हारी इस मुस्कुराहट में कितने लोगों की खुशी छुपी है। अच्छी तरह जाना और जल्दी से वापस आना। ओके पंखुड़ी बिटिया, एक बात कहूं, तुमने साहब जी के सारे सपने पूरे किए हैं, और सुनो साहब जी ऊपर बैठ के हमसे जल रहे होंगे, पूछो क्यों? क्योंकि उनके पास हमारी पंखु जैसी कोई नहीं है। चलो चाय पी लो भैया। हाँ भाई, चाय पी लो। पंखुड़ी ने अपने हाथ से बनाई। Exactly, तुम देखना सीधे 2 घंटे में आदि will be on the flight to कुल्लू, हाँ? और it's my order. आदि को जब तक तुम चंडीगढ़ नहीं लैंड करोगी तुम फोन नहीं करोगी। पर डैड। वो परवर यार, तुम्हें बिना बताए वो पुणे भाग गया, हाँ? कोई बात हुई? तुम आदि को फोन नहीं करोगी। Okay, stop it हरीश. When will you grow up? अरे कोई उन्हें जाने भी देगा कि नहीं? इसकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। पंखुड़ी बेटे, एक बात कहूँ, सब में जान बसी है तुम्हारी। बोल कर देखो आदि, अगर तुम्हें गुस्सा होना है तो मुझ पर हो, क्योंकि मैं और वरुण दोनों ने यही डिसाइड किया था कि हम वापस लौटकर विक्रम भैया के घर आएंगे। एंड ट्रस्ट मी, पंखुड़ी ने हमें बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया। अब ऐसे एंग्री यंग भाई बनकर मत रहो प्लीज। देखो आदि, दीवान मेंशन में रहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा घर है। आई नो बहुत फनी साउंड करूंगी, लेकिन किसी भी लड़की के लिए ना आदि, उसका ससुराल बहुत स्पेशल होता है। वहां जाकर खुश है ना? बहुत ज्यादा। आई गेस पंखुड़ी फिर से सही थी यार। मेरी ये हमेशा की प्रॉब्लम है, पहले मैं गलती करता हूँ फिर पंखुड़ी से लड़ता हूँ। मतलब तुम दोनों की बातचीत बंद है अभी? तेरा भाई ना कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है यार। तो आदि उसे फोन करो और बात करो उससे। ओए पगली तू फोन रखेगी तब तो उससे बात करूंगा मैं। फोन बंद आ रहा है। बाबूजी, भैया का फोन आया था, वो लोग चंडीगढ़ पहुंच गए। मैं ना अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हूँ, कब एक बार पंखुड़ी आ जाए और मैं दौड़कर उसे गले लगा लूँ। अरे बेटा, पंखुड़ी पूरे एक हफ्ते के लिए यहाँ पर आ रही है, उससे जी भर के लाड कर लेना। ये बताओ कि वो मुंबई से निकली कि नहीं? बाबूजी, उसकी फ्लाइट बस निकलने ही वाली है। बस आदित्य जी और पंखुड़ी के बीच मनमुटाव ठीक हो गया हो, वरना पूरा समय पंखुड़िया मुंह फुलाकर बैठी रहेगी। अरे देखना, आदित्य दौड़ा दौड़ा आएगा, लेकिन उसे एक बार पता तो लगे कि पंखुड़ी कुल्लू आ रही है। कैसा खन्ना? मिस्टर विक्रम धनराज गेर, क्या बात है, मन बदल गया? मुझे लगा ही था कि तुम समझौते के लिए जरूर आओगे। आपको आपके 150 करोड़ मिल जाएंगे मिस्टर खन्ना, लेकिन जब तक मैं पैसे अरेंज कर रहा हूँ, छोटी सी रिक्वेस्ट है, Don't try and create any nuisance, please. ये रिक्वेस्ट है या धमकी? मिस्टर विक्रम धनराज गेर, जाओ अपने घर जाओ, पैसे तो मैं तुमसे और बाकी सब उस आदित्य कुमार से मैं ले ही लूंगा। अरे गेर, आप आदित्य कुमार को बीच में क्यों ला रहे हैं? अब तो वो आ चुके हैं। मिस्टर खन्ना, आपको अपनी हदों में रहना चाहिए। You stay in your limits, मिस्टर विक्रम धनराज गेर। आदित्य कुमार के साथ मैं कुछ भी करूँ, Who the hell are you to stop me? तुमने टेंडर दिलाने में मेरी मदद नहीं की, अब मैं वही टेंडर आदि को रास्ते से हटा के हासिल कर लूंगा। सॉरी, नाउ इट्स टू लेट। मतलब? कुछ ही देर में मतलब समझ में आ जाएगा। मुझे अभी जानना है मिस्टर खन्ना की क्या बात है। राइट नाउ, जस्ट स्पीक अप। विक्रम काम डाउन। स्पीक अप, कम ऑन। आदित्य को मारने के लिए मैंने मेरे आदमी भेज रखे। अब क्या करने वाले? Speak up, Mr. Khanna, or I'll kill you. You know that. अपना फोन उठाइए। मैं पुट इट ऑन स्पीकर, राइट नाउ। भैया, एस पर इंस्ट्रक्शन आदि की मौत एक्सीडेंट ही लगेगी। जैसे ही वो मीटिंग से निकलेगा, लिफ्ट का तार कट जाएगा। विक्रम, तुम जो कर रहे हो? Ladies and gentlemen, मैं आपको अश्योर करता हूं कि दीवान ग्रुप will take utmost care of the quantity and quality, and we'll deliver as promised. Sorry, विक्रम, okay, sorry, मैं कहाँ था? was one second. I'm really sorry, मैं फोन बंद कर देता हूँ। क्या करूं पंखुड़ी? अजीब मौसम हो रखा दिवाकर बाबू। अब बेटा तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे आदि बाबू का फोन आ जाएगा, चिंता मत कर। पर मामा जी, यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। बेटा, एक तो हाईवे है, दूसरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कुल्लू चलकर ही बात हो पाएगी। अननोन नंबर से फोन है, आदि का होगा। हेलो पंखुड़ी, दिस इज विक्रम यार। आदित्य का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, उसकी जिंदगी खतरे में है। हेलो विक्रम जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। पंखुड़ी, कैन यू हियर मी नाउ? हेलो पंखुड़ी, मैं कह रहा हूँ आदित्य की जिंदगी खतरे में है, हिज लाइफ इज इन डेंजर। कैन यू हियर मी नाउ? अच्छा, मैं आपको नेटवर्क एरिया में जाके फोन करती हूँ। हाँ, ओके। हेलो, हाँ आदित्य जी को फोन लगा सकता हूँ। ओके, वाइस मिस्टर धनराज की कॉलिंग। यस मिस्टर धनराज गेर। हाँ पंडित जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि वो आदित्य की जिंदगी खतरे में, मैं उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आप प्लीज कुछ भी करके उसे इन्फॉर्म कर सकती हैं? आजा बेटा। अच्छा हुआ गाड़ी में छाता पड़ा था। अरे दिवाकर बाबू, ये हमारी गाड़ी है, हर चीज का इंतजाम होता है। अरे क्या बात है भाई, ये रास्ता क्यों बंद है? सर अचानक बारिश की वजह से पहाड़ की मिट्टी लूज हो गई है और लैंडस्लाइड का भी खतरा है, इस वजह से रास्ता रोक दिया गया है। अच्छा चलिए दिवाकर बाबू, तब तो 3-4 घंटे की छुट्टी है जी, चलिए गाड़ी में चल के इंतजार करते हैं। मामा जी वो विक्रम जी का फोन आया था, कुछ इम्पोर्टेंट होगा मैं बात कर लेती हूँ। अरे लेकिन बेटा तू देख रही है मौसम कितना खराब है, कहाँ जाएगी? मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी, अब तो बारिश भी रुक गई है ना, मैं बात करके फटाफट आती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ, हम गाड़ी में ही है। ये लो बाबूजी का फोन आ गया, लगता है न्यूज में देखा होगा मौसम के बारे में, चिंता कर ली। आप उन्हें बोलिए कि चिंता ना करें, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। जी बाबूजी। हेलो विक्रम जी, सॉरी जब आपका फोन आया था तो मैं नॉन नेटवर्क एरिया में थी, बोलिए। पंखुड़ी मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि अदित्य की जान खतरे में, मैं उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। प्लीज ट्राई एंड गेट इन टच विद अदित्य as soon as possible, okay? मैं अभी आदित्य को फोन करती हूँ। थैंक यू। आदित्य का फोन स्विच ऑफ क्यों? आदित्य का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अभी भी फोन स्विच ऑफ है उसका। Yeah, that's all. गलत टाइम पे हमेशा फोन स्विच ऑफ क्यों करना होता है उसको? Why you don't worry. मैं कुछ ही देर में पुणे के लिए निकलता हूँ and trust me, खन्ना के लोग आदि को कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बेटा, जब तक तुम आदि के पास पुणे पहुँचोगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो मॉम मैं क्या करूँ, यहाँ पे चुपचाप बैठे रहूँ? Okay, Rubal, first just calm down. इस तरह से हम किसी सोल्यूशन तक नहीं पहुँच पाएंगे, हमें किसी भी तरह आदि को कॉन्टेक्ट करना ही होगा। I just don't know how. भाई साहब लिफ्ट खराब करवा दी है, थोड़ी देर में आदित्य लिफ्ट की तरफ आएगा और अपना काम हो जाएगा। जी चल। गुड मीटिंग। पहले पंखुड़ी को कॉल करता हूँ यार। ये फोन क्यों बंद था यार? सौ साल जिएगी तू, तुझे याद कर रहा था। आदि आप मेरी बात सुनिए। पंखुड़ी तेरी आवाज नहीं आ रही यार, नेटवर्क एरिया में है ना। सुन एक सेकंड रुक यार, मॉम का फोन आ रहा है, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। ओके आदि आप प्लीज पहले मेरी बात सुनिए। कहाँ है आप? बस मीटिंग खत्म हुई है, मैं मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। ओके वो खन्ना के आदमी आपको मारना चाहते हैं। आदि वो विक्रम जी ने मुझे फोन करके बताया कि उन्होंने विक्रम जी ने मुझे फोन करके बताया कि उन्होंने आवाज कैसी थी? वो आवाज क्या थी? गाइस क्या हुआ? अरे भाई कोई फायर ब्रिगेड बुलाओ, भागो। अरे लिफ्ट क्रॉस हो गई, भागो। अरे भाई लिफ्ट में हाथ लग गई है, फायर ब्रिगेड बुलाओ, भागो 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 भागो। लिफ्ट क्रैश हो गई। आप ठीक है ना? एक सेकंड रुक, पंकुड़ी मॉम का फोन आ रहा है भाई, मैं तुझे फोन करता हूँ। ओके रिलैक्स, आई एम ओके, आई एम फाइन। ओके पंकुड़ी मॉम से बात हो गई है, थैंक गॉड तूने मुझे पहले ही वॉर्न कर दिया। चल अब ये सब छोड़, घर आकर तुझसे मिलता हूँ मैं। पर अब मैं आपको नहीं मिलूंगी क्योंकि मैं अपने दूसरे घर जा रही हूँ। क्या तू कुल्लू जा रही है? और बताया भी नहीं मुझे। अच्छा आपने बताने का मौका ही नहीं दिया, खुद तो सुबह सुबह आप पुणे चले गए, फोन स्विच ऑफ कर दिया और आप मुझे डांट रहे। अरे पर मुझे थोड़ी पता था कि तू ऐसी कुछ प्लानिंग कर लेगी। हाँ आदि झूठ मत बोलिए, दादाजी ने कहा था ना कि इस गर्मियों की छुट्टियों में हमें कुल्लू जाना है, तो फिर? हाँ तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि तू अकेले के लिए कोई प्लान बना लेगी। हाँ चल सॉरी बोल। अरे मैं क्यों सॉरी बोलूँ? सॉरी आप बोलेंगे क्योंकि मुझ पे आपने इतना गुस्सा किया। ओए पति हूँ मैं तेरा, सॉरी तुझे बोलना पड़ेगा। ओके अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो अगले जन्म में मिलेगा, पर सॉरी तो आपको बोलना पड़ेगा। अच्छा चल नेगोशिएशन कर लेते, बार्गेन कर लेते, ठीक है? मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं आई लव यू बोलूंगा। ठीक है पर पहले आई लव यू मैं बोलूंगी। बड़ी संकी लड़की है तू। क्या पहले मैं लगा रखा? नहीं मुझे कुछ सुनना बोलना नहीं है, तू जा। पक्का? ओके यार अब ऐसे अपसेट ना हो। चल तू ही बोल दे। I love you, Adi. I love you too, Pankudi. अच्छा आदि अब बातें करना बंद कीजिए क्योंकि यहाँ वेदर बहुत खराब है और मामा जी और पापा भी नीचे वेट कर रहे हैं। हाँ और वैसे भी लड़ाई करने के लिए कुछ बचा नहीं तो जाना पड़ेगा। नहीं पक्का? जाऊं? जैसे कहूँगा तो लौट आएगी। हेलो दिवाकर बाबू, पंखुड़ी इतनी लंबी बात किससे कर रही है? अब तो आ जाना चाहिए था उसको। बोल दे भाई साहब मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है आज, चलिए देख कर आते हैं। बोल दे भाई साहब यहाँ से तो लैंडस्लाइड एरिया शुरू हो जाता है। हे राम जी मेरी पंखुड़ी की रक्षा करना। अरे दिवाकर बाबू चिंता मत कीजिए, पंखुड़ी यहीं कहीं आस पास हो। हेलो 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 आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।